नमस्कार, मैं कामेश्वर शर्मा। आज हमारे बीच मौजूद है पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ऊना सदर के सतपाल सत्ती जी। जाना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से जो पक्ष लगातार यह आरोप लगा रही थी केंद्र की ओर से इस बार जो आपदा आई है उस दौरान जो सहयोग करना चाहिए था वो सहयोग नहीं किया गया, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जी सर, आपका स्वागत। जिस तरीके से लगातार पक्ष केंद्र को घेर रहा है कि जो मदद करनी चाहिए उतनी नहीं की गई, विपक्ष को जो घेरने की बात आप कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में कांग्रेस की डोमर है, सत्ता में जो कांग्रेस सरकार हमारे देश में है, वो बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी को ना निभाते हुए वो सारा काम करने की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र के ऊपर डालते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर सब काम केंद्र ने ही करने हैं तो प्रदेशों के अंदर गवर्नमेंटें किसके बनेंगी? तो प्रमुख रूप से तो प्रदेश सरकार को ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और जहाँ तक आपदा घोषित करने का विषय है, उसके जो मापदंड है वो उनको पढ़ लेने चाहिए, जो केंद्र सरकार के मापदंड है। मांग से कोई भी बात पूरी नहीं होती है, उसके भी कोई ना कोई गवर्नमेंट के अंदर मापदंड रहते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, हिमाचल प्रदेश के विपक्ष के नेता श्रीमान जयराम ठाकुर जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा करके गए हैं। उसकी रिपोर्ट्स दिल्ली जा रही हैं और प्रदेश गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स भी जा रही है। काफ़ी पैसा पहले गवर्नमेंट को मिला है और अभी आने वाले समय में हम ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट और देगी, को केंद्र सरकार ने इनकार नहीं किया कि हम इसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की बातें ये करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे टकराव बढ़ेगा, तो उसका कोई फायदा प्रदेश को होने वाला नहीं है। जो आया है उसका गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहिए और आगे मांग करते रहना चाहिए। हमने आज इस आपदा के ऊपर जो चर्चा हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने और हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने यही बात की है कि हम लोग आज भी मांग करते हैं कि कुछ और मिलना चाहिए, लेकिन जो आया है उसका धन्यवाद तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए। लेकिन जो उस आपदा का पूरा जिम्मा केंद्र सरकार के ऊपर डालना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जी सर, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, जो भाजपा विधायक ने भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में पक्षपात की नीति की गई, वहीं जैसे चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलवीर वर्मा का कहना है कि लगभग 30 से अधिक सड़क मार्ग बंद है। ऐसे ही जहां पर जो धनराशि है उसका आवंटन सुचारू रूप से नहीं हो पाया, जिस तरीके से किसी जो कांग्रेस नेता है उन्हें लगभग जो दंगल टूटने पर ही 2 लाख दिया गया और जहाँ मकान है 1 लाख नहीं दिया गया, ऐसा किसके क्षेत्रों में विभाग किया गया? मुझे लगता है कि ऐसा तथ्य विधायकों को कहा है। हम लोगों ने भी अभी मीटिंग की है, उन्होंने कहा कि इस तरह के तथ्य आप लोग लेकर के आए, तथ्य के भारत ही हम लोग बात करें और प्रूफ हम लोग दें, आगे गवर्नमेंट के ध्यान में आए कि जो धांधली मची हुई है, जो अपने और परायों की बात कर रही है उसको रोका जाए और इस तरह का पाप इस आपदा के अंदर ना किया जाए। जो व्यक्ति पात्र है उसी को उसका पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए BJP के जो विधायकगण है तो सब लोग तथ्य लेकर के आए और मुख्यमंत्री जी के सामने माननीय सदन के अंदर भी रखेंगे और व्यक्तिगत रूप से भी उनके सामने। सर, अभी तक जो केंद्र से कितनी धनराशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है? अभी तक लगभग 850 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से अलग अलग मद में आया है और जो पैसा केंद्र से आया है उसको जो ठीक जगह पर लगाएं, उच्च स्थान के ऊपर लगाएं, तो मुझे लगता है वो शुरुआती मदद काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय में और भी मदद मिलेगी। और गडकरी जी ने तो कहा है कि जितने भी नेशनल हाईवे टूटे हैं उन सब का खर्चा हम लोग केंद्र से लेंगे और नेशनल हाईवे के साथ जो 1 किलोमीटर तक की प्रदेश की सड़क है, प्रदेश के रोड्स हैं, अगर उसमें कोई क्षति हुई है, तो पुलिया पुल टूटा है, सड़क टूटे, तो उसका खर्चा भी निकाल के हम लोग उठाएंगे। लेकिन ये एकदम जल्दी में है, 1.5 महीने के अंदर जो राहत आई है वो काफ़ी है। आने वाले कम टाइम में जो जहाँ से रिकॉर्ड जा रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट निर्णय लेगी और भी राहत चलेगी। जी, ये थे हमारे बीच सतपाल सत्ती जी। इनका कहना है कि खासकर जो केंद्र की ओर से लगातार मदद की गई है, यदि आवश्यकता हुई तो आने वाले समय में और मदद की जाएगी। जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।